शुक्र करने वालों की हार नहीं होती कोशिश करने वाले करने वालों की हार नहीं होती लहरों से डर कर का पार नहीं होती कोशिश कर शांति सर्वप्रथम तो आज करवा चौथ है तो हमारी सभी बहनों को हमारी मातृशक्ति को जो आज के इस शुभ दिवस पर अपने पतियों के लिए अपने प्रियजनों के लिए व्रत रखती हैं उनकी दीर्घायु की कामना करती तो हमारी भी मंगल कामना शुभ कामना की आपकी शुभ आश कामना पूर्ण हो केवल पति देव ही नहीं लेकिन सारे ही प्रियजन न केवल दीर्घायु हो लेकिन स्वस्थ हो निर्भय हो, निश्चिंत हो और जीवन के हर मुकाम में सफलता अर्जित करें भाइयों से भी कहूंगा कि हमारी बहनें व्रत रखती हैं आप भी उनके लिए ऐसे ही व्रत ना सही लेकिन हृदय में बहुत प्यार सम्मान अपनापन और साथ ही साथ वो जिस चीज की अधिकारी है उसे अवश्य प्रदान करें क्योंकि गाड़ी के दो पहिए की तरह है ना आपस में जब प्रेम सम्मान से चलते हैं तो घर गृहस्थ बहुत सुखमय हो जाता है आनंदमय हो जाता है गीत बहुत सुंदर हम सुन रहे थे कि अपनी कोशिश लगातार जारी रहनी चाहिए प्रकाश की ओर चलने का सत्य की ओर चलने का आनंद की ओर चलने का और जब तक जीवन है जब हम ये मान लेते हैं कि हमने सब कुछ जान लिया समझ लिया तो वहां एक ठहराव आ जाता है हम कितने भी विद्वान कितने भी पढ़े लिखे कितने भी अनुभवी जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर भी बढ़ चुके हैं लेकिन सीखना, जानना समझना प्रकाश की ओर चलना ये अनवरत चलता रहे और अपनी खिड़कियां दरवाजे कहते हैं पैराशूट भी तभी काम करता है जब हम खुलकर मतलब खुल जाता है हम भी अपने मन बुद्धि को सुंदर अच्छी बातों के लिए सदैव खोल कर रखें और आप सब यहाँ बुद्धिजीवी अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए अनुभवी यहाँ आपकी उपस्थिति ही इस बात का परिचायक है कि आप हमेशा कुछ नया पाना कुछ नया समझना आगे की ओर बढ़ना इसके लिए आप प्रयासरत रहते हैं इसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं विषय हम कैसे निर्भय हो जाएं भय से मुक्त हो जाएं जीवन में परिस्थितियां और बातें तो आती हैं लेकिन उसमें भी कैसे अचल रहे अडोल रहे हमारी जो अंदर की स्थिति है आनंद है खुशी है वो गुम ना हो जाए आपने कईयों को देखा होगा ये कहते हुए कि हम किसी से नहीं डरते किसी से नहीं डरते और वहीं धपाक से यदि एक छिपकली उनके सामने गिर जाती है तो चिल्ला कर भाग पड़ते हैं अंतर मन से हम सबकी ये चाहना रहती है यह हमारी नेचर है कि हम शांत और आनंदित रहें, एक खुशगवार माहौल में रहें कोई भी भय नहीं चाहता आप में से कितने ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि हाँ मुझे भय प्रिय है मैं भयभीत होकर रहना चाहता या मैं अपने बच्चों को भी भयभीत देखना चाहता मेरे परिवार के सदस्य भी डरे सहमे रहे मैं ये देखना चाहता हूं कोई नहीं और वो इसलिए क्योंकि ये हमारी नेचर नहीं है और हम में से अधिकांश ने आज के दौर में भय को कहीं ना कहीं आंशिक रूप से ये 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 मान लिया है कि ये स्वाभाविक है है। कि स्वाभाविक या ये होता ही है। लेकिन बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने इस पर रिसर्च किया कार्य किया चिंतन किया और ये पाया कि ये हमारी इनेट क्वालिटी नहीं है लेकिन हमने इसे अडॉप्ट किया है बाहर से यदि इनेट क्वालिटी होती तो जैसे हम शांत रहना प्रेम के माहौल में रहना सुखी रहना शुद्ध पवित्र स्वच्छ रहना ये चाहते हैं वैसे ही भय में भी रहना चाहते हैं। यदि ये हमारी आंतरिक पर्सनालिटी आंतरिक नेचर होती तो बाहर से आई है और हम जानते हैं कि ये हमें तकलीफ ही देती है right? जब आप भयभीत होते हैं या कोई भयभीत होता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है डॉक्टर्स ने तो बाहरी पैरामीटर्स बताया कि बीपी बहुत हाई हो जाता है बहुत ज्यादा तनाव ग्रस्त हो जाते हैं किसी को डायरिया हो जाता है हकलाने लगते हैं घबराने लगते हैं परेशान होने लगते हैं स्वेटिंग होने लगती है ये तो बाहरी चीज लेकिन एक भयभीत व्यक्ति पूरी तरह से अपने निर्णय करने की परखने की शक्ति को खो देता है गुलाम बन जाता है परिस्थितियां बातें व्यक्ति जैसे उस पर हावी हो जाते हैं उसकी सारी चीजें बाहरी जो भी उसकी सोचने समझने कार्य करने की क्षमता है सकुंद हो जाती है नष्ट हो जाती है तो क्या हम ऐसी स्थिति में रहना पसंद करेंगे और कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में छोटे या बड़े रूप में इसका सामना हमें करना ही पड़ता है इसीलिए शायद हमने ये मान लिया कि हमारी अंदर की जैसे अनेक प्रकार की हमारी फीलिंग्स हैं, हमारी भावनाएं हैं हमारी नेचर है वैसे ये भी भय भी एक आंतरिक चीज है लेकिन नहीं तो क्यों ये एक अंदर चीज समा गई है कई बार पास्ट की जो एक्सपीरियंसेस है ना हमारे भूत में हमने कुछ अनुभव किया भूतकाल में वो एक भय के रूप में समा जाता है मान लीजिए मैं बहुत अच्छी तरह से कुत्तों के साथ खेला करता था वो गली में घूमते रहते हैं मैं उनके नजदीक से निकल जाता था लेकिन एक बार मैंने किसी को को कुत्ते काटते हुए और बहुत ही खतरनाक तरीके से काटते हुए देख लिया या मुझे उसने खतरनाक तरीके से काट लिया जिससे मुझे बहुत तकलीफ हुई अब तक मैं बहुत प्यार से आराम से उनके बीच से निकल जाया करता था उनके साथ खेलता था लेकिन आगे आफ्टर दिस एक्सपीरियंस क्या होगा मेरे अंदर एक भय कि वो बहुत सीधा साधा शरीफ सा भी होगा लेकिन फिर भी मेरे अंदर डर काट ना एक्सपीरियंस उसे मैं लेके चलता हूं डर पैदा करता है हमारे पेरेंट्स ने जब हम छोटे थे तो कई कई चीजें हमारे अंदर डाल दें कि अरे देख तो बाहर जाएगा ना बाहर भूत है या बाहर बाबा है वो उठा के ले जाएगा ये अंधेरे कमरे में मत जाना वहा खतरा है बैठ गया इसीलिए अंधेरे में जाने से अकेले रहने से डर लोनलीनेस पसंद नहीं करते हम अकेले हैं कहीं ना कहीं डर कुछ हो ना जाए ये ना हो जाए वो ना हो जाए अंधेरे में कुछ है नहीं लेकिन रस्सी को भी सांप समझ लेना किसी की उपस्थिति का एहसास करने लगा कि, लगना कि नहीं नहीं अंधेरा है जरूर मुझे कुछ दिखा मुझे कुछ हिलता हुआ लगा आभास हुआ कहीं ना कहीं अंदर वो चीज बिठा दी गई या yeah, हमारा थॉट प्रोसेस नेगेटिविटी की ओर जब चला चलने लगता है वो भय पैदा करता है यदि इसकी आदत है कि किसी भी चीज को लेके हम एक नेगेटिव दिशा में निकल पड़ते हैं कि नहीं नहीं ऐसा हो जाएगा वो भय पैदा करता है और ज्यादातर वही होता है किसी चीज किसी घटना किसी व्यक्ति को देखा किसी स्ट्रेंजर को देखा पता नहीं कौन है क्या करेगा ऐसा होगा वैसा होगा हो सकता है मेरा कोई बहुत पुराना परिचित हो बेचारा गांव से आया हो लेकिन पहली बार देख रहा हूँ वो भी देख रहा है हर चीज घर को यही घर है क्या ये है नाम है और मुझे लग रहा है कहीं ये घुसने की कोशिश कर रहा है कि कहाँ पे खाली जगह है जहां से मैं घुस और वो बेचारा मेरा दूर का कोई रिश्तेदार है जो गाँव से आया हुआ है मेरी ये प्रोसेस या कई बार दूसरों की बातों को बहुत ज्यादा तवज्जो देना उनकी ओपिनियन को अपने ऊपर ज्यादा ही ले लेना कि अपने विवेक का प्रयोग ना करना लेकिन दूसरों की ओपिनियन अरे हमने देख, देखा, है, संसार देखा है लोगों को देखा है ऐसा होता है अब मैंने वो नहीं देखा है अनुभव नहीं किया है लेकिन उसकी बात को बहुत ज्यादा गहराई से अपने अंदर ले लेना वो भी डर पैदा करता है मैं ट्यूशन पढ़ाने जाया करता था और ट्यूशन पढ़ा के जब आता था तो हाँ, अंधेरा हो जाता था रास्ता एक सुनसान रास्ते से निकलना होता था नई जगह पे हम गए थे पिताजी के ट्रांसफर के बाद दिनों दिन निकल गए मासों मास निकल गए एक दिन किसी ने कहा कि तुम्हें रात हो जाता है तुम किधर से जाते हो मैंने कहा इधर से जाता हूं ये शॉर्टकट पड़ता है उसने कहा इधर से मत जाया करो इधर शमशान है तो रोज मैं आराम से अपनी साइकिल में सीटी बजाते हुए निकलता था लेकिन जब उस दिन निकला तो फिर मैंने नहीं बजाई <laughs> मन में एक भाव बैठ गया इधर शमशान है इधर से छमछम की आवाज ना आने लगे कहीं यहाँ या कोई आकर के सामने खड़ा ना हो जाए <laughs> तो चीजें सब चीजें सामान्य रहती हैं हम अपने अंदर इसे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अंदर नहीं बाहर से हमने अपने अंदर बिठा लिया इसलिए ये ना सोचें कि ये चीज सामान्य रूप से नेचुरल रूप से हमारे जीवन में शामिल है और ये चीजें होंगी नहीं हमें इस चीज को बहुत अच्छी तरह से गहराई से समझें और इससे मुक्त होने की ओर अपने कदम बढ़ाएं क्योंकि जैसे मैंने कहा हम से कोई भी पसंद नहीं करेगा ऐसी स्थिति में रहना क्योंकि ये हमें सफलता से भी दूर ले जाता है शांति से भी दूर ले जाता है और साथ ही साथ हमें जीवन का आनंद नहीं लेने देता है हम जो अचीव कर सकते हैं जिस शिखर पर पहुंच सकते हैं वो शिखर पर नहीं पहुंचने देता है क्योंकि तो कई प्रकार के भय है ना परिस्थिति जन्य भी और कई बार हम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं ये सारी चीजें तो हमने अपने अंदर ले लिया तो उसने भय पैदा किया लेकिन कई परिस्थितियां अब देखिए जीवन में हमेशा अनुकूल स्थिति तो नहीं रहती ना आप सभी भी अपने स्टूडेंट्स को यदि आप टीचर हैं तो सिखाते होंगे अपने छोटों को सिखाते अपने साथियों से भी चर्चा में ये बात आती होगी जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं हमने जैसे अपने जीवन रूपी नैया को सागर में उतारा हुआ है और सागर में लहरे ना हो, ये तो संभव ही नहीं है कभी छोटी लहर कभी बड़ी लहर कभी छोटी लहर कभी बड़ी लहर हां। गीत में भी हमने सुना कि नाविक जाता है लेकिन पूरे हौसले उमंग उत्साह से जाता है और वहां से अच्छे रत्न लेकर के आता है हां। गोते भी लगाता है रत्न लेके आता है हर बार शायद उसे रत्न ना मिले लेकिन मिलेगा जरूर प्रयासरत रहता है नाव का निर्माण ही हुआ है सागर में उतरने के लिए व्हीकल बने हुए हैं सड़क पे सराटे से दौड़ने के लिए प्लेन का निर्माण ही इसीलिए है रोड्रम में रहने के लिए नहीं लेकिन आकाश को छूने के लिए लेकिन वो ये मान के चलते हैं कि हमेशा आकाश साफ नहीं रहेगा हमेशा सागर शांत नहीं रहेगा हमेशा ही सड़क सपाट नहीं रहेगा अप एंड डाउन होंगे प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगे हम तैयार रहें इसके लिए एक व्यक्ति एक संत के पास पहुंचा और उसने कहा कि महाराज कोई ऐसी जगह बता सकते हैं आप जहां कोई विपरीत परिस्थिति ना आए मेरे जीवन में अनुकूल ही अनुकूल परिस्थितियां रहें मैं बिल्कुल मतलब अनुकूल परिस्थितियों के साथ जीवन का आनंद लो सन्यासी उसको साथ लेके चले गए और कहा ये शमशान घाट है यहाँ लेट जा महाराज यहाँ क्यों लेट जाऊ यहाँ तो मैं मरने के बाद आऊंगा यही वो जगह है जहां तेरे जीवन में कोई विपरीत परिस्थितियां नहीं आएंगी प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं आएंगी जीवन है तो आएंगी। लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में मैं कैसे रिएक्ट करता हूं ये इंपॉर्टेंट कलाम साहब कहा करते थे कि नदी में गिर जाने से किसी की मृत्यु नहीं होती मृत्यु तब होती है जब उसको तैरना नहीं आता हम भी जीवन में है संसार में है हम ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं मुझे ये करना ही नहीं है अपनी गाड़ी सड़क पे निकालनी ही नहीं है निकालूंगा नहीं तो मैं अच्छा ड्राइवर कैसे बनूंगा अपनी गाड़ी का आनंद कैसे लूंगा परिस्थितियों के प्रति मेरा रवैया वो कैसा है इंपॉर्टेंट है मान लीजिए जी जीव जंतु है अब कुछ फियर जो नॉर्मली हम लोग अपने जीवन में फेस करते हैं आप खुद ही अपने लिस्ट निकालिएगा और मेरे साथ साथ चेक करते चलिए देखते चलिए जीव जंतु या काकरोच है या घर में चिपकिली है उससे भी फियर उससे भी डरते सुंदर पिचाई जी जो गूगल के सीईओ हैं, भारतीय हैं, हम सबको गर्व है तो एक बार अपनी बुक में मेंशन कर रहे थे एक इंटरव्यू में शायद कि मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था सभी लोग बहुत शांति से खाना खा रहे थे अचानक कुछ महिलाएं जो एक टेबल पर बैठी थी जोर जोर से चीखने लगीं, चिल्लाने लगे लगा कि क्या हो गया सभी का ध्यान उधर गया देखा तो एक काक्रोच जो था वो एक के कपड़े पे चढ़ा हुआ था वो चीखे जा रहे थे अब उनके उनसे उड़ करके वो दूसरे पे बैठ गया उसने चीखना शुरू कर दिया हा? बहुत ही पैनिक स्थिति हो गई थी उनके लिए वेटर आया उस कॉकरोच को पकड़ा और रेस्टोरेंट से जाके बाहर छोड़ दी चीज एक ही है कॉकरोच एक को वो पेन दे रहा है और दूसरे के लिए वो एक सामान्य सी बात है हम कैसे ले रहे हैं चीजों को परेशान हो रहे हैं या उसके लिए कुछ सलूशन ढूंढ रहे छोटा तो सा काक्रोच ही तो है वो मेरे प्राण तो नहीं ले लेगा ना या कई ऐसे होते हैं कि घर में एक छिपकली दिख गई कमरे में वो वहां घुसेंगे नहीं जब तक कि उसे बाहर ना निकाल दिया जाए ये छोटी छोटी सी चीजें हुई कभी लाइफ में बड़ी भी यदि ऐसे आप हैं मैं माउंट आबू में हूं घना जंगल है यहाँ आज से पंद्रह बीस बीस वर्ष पहले की बात है अच्छा सुबह वॉक के लिए छह बजे का वक्त रहा होगा निकला वॉकिंग करते करते जंगल में चला गया रोज का ये क्रम था मैं तेजी से जा रहा था अचानक दस कदम की दूरी पे झाड़ियों से एक चीता निकला और जस निकला मेरी ओर देखा मैं भी ठिठका उनकी ओर देखा मन शांत था क्योंकि हम सब मेडिटेशन करते हैं ऐसे में कुछ रिएक्ट नहीं करते मन शांत शुभ भावनाओं से भरा हुआ कोई डर नहीं कोई फियर नहीं थोड़ी देर की बात रही होगी वो अपने रास्ते मैं अपने रास्ते यदि यहां मैं पैनिक होता यहां मैं डरता तो जो भी जानवर हैं जब हम डरते हैं ओवर रिएक्ट करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये हम पे आक्रमण करने वाले हैं वो हम पे आक्रमण कर देते हैं ऐसे ही कई बार भालुओं के साथ हुआ हम बैठे हैं मेडिटेशन में पहाड़ पे पीछे वाली पहाड़ पे या नजदीक से होते हुए भालू निकल रहे हैं नीचे से लोग चिल्ला रहे हैं अरे पास में भालू है भालू है लेकिन जब आप किसी को कोई तकलीफ नहीं देते आपका मन शांत है आपका मन अच्छे विचारों से भरा हुआ है शुभ भावना से भरा हुआ है आप किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते आपके मन में डर नहीं है क्योंकि डर उनके अंदर डर पैदा करेगा आपके मन की शांति उनको भी शांत रखेगा आपके शत्रु नहीं है वो अपना कार्य करेंगे आप अपना कार्य करें इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम शेर के बारे में जाएं जाके कि नहीं मैं देखता हूँ चेक करता हूँ इसकी जरूरत नहीं है यदा कदा यदि अब लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आ गई तब की बात एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि भय सामने वाले व्यक्ति को भी या सामने वाले जीव जंतुओं के अंदर भी उसे जन्म देता है और स्थितियां बिगड़ जाती हैं प्रतिकूल हो जाते हैं और कुछ भयंकर हो सकता है इसीलिए ऐसे घटनाएं सुने होंगे देखे हुए होंगे जहां आप पक्षियों को प्रेम करते हैं मन में बहुत प्रेम का भाव है वो आपके घर आपके नजदीक आते हैं आपके कंधे पे बैठ जाते हैं लेकिन जहां आपके मन में ये भाव है इनको पकड़ो इनको कष्ट दो इनको नष्ट करो आप देखेंगे कि वो आपके इस वाइब्रेशन को भी कैच करते हैं दूर से ही चले जाते हैं तो तो डर की की, की आवश्यकता नहीं। वो भी रचना तो रचना है है, ना ईश्वर इस प्रकृति की रचना है। अपना कार्य कर रहे हैं उन्हें अपना आनंद लेने दें आप अपने आनंद में रहें इसलिए कोई डर की जरूरत नहीं डरते तो वो बल्कि हमसे वो दूर भागते हैं हम ना डरे बल्कि उन्हें प्यार करें प्यार करने का अर्थात गोद में लेना गले में लपेट लेना किसी सांप को ये भी नहीं है लेकिन मन उनके लिए अच्छी भावना और प्यार से प्रकृति की रचना है ईश्वर की रचना है सुख सुखी रहो जियो और जीने दो ये हमारी संस्कृति है जो हमें निर्भय बनाती है उन्हें भी निर्भय बनाती है कितने साधु संत अभी भी कई मंख हैं आपने देखा होगा उनके यहाँ उनके गुफा में या उनके आश्रम में अभी भी शेर रहते हैं वो शेरों के साथ रहते हैं मित्रवत है भय की कोई बात नहीं है और यभी की बात नहीं है ये तो आदिकाल से हमारे साथ चला आ रहा है जबकि ये सारे जीव जंतु पशु पक्षी हमसे मित्रवत परिवारवत रहते आए हैं, दूसरी एक बात हम कई बार असफलता से कि जीवन में कोई असफलता ना हो हर एक व्यक्ति सफलता चाहता है नो no डाउट असफलता से एक डर यदि विद्यार्थी बैठे हुए हैं या आप विद्यार्थियों के साथ रहते हैं परिवार में बच्चे आप जानते हैं परीक्षा एक भय पैदा करता है इंटरव्यू कई बार भय पैदा कर देता है आप कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं कोई नई शुरुआत करने वाले हैं ऊपर नीचे ना हो जाए भय किसी कंपटीशन में आप भाग ले रहे हैं वहां कुछ असफलता ऊपर नीचे ना हो जाए उसका भय यदि आप मंच पर बोलते नहीं है आपको मंच पर बोलने के लिए बोल दिया गया भय पैर कांपने लगते हैं क्यों इन सबके पीछे कहीं ना कहीं मेरे अंदर का एक वो है ना डर है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए लोग क्या कहेंगे और कहीं मैं असफल ना हो जाऊं जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा पता नहीं इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा पता नहीं बिजनेस की नई शुरुआत तो कर रहा हूं मार्केट की स्थिति कैसी रहेगी रिस्पॉन्स कैसा रहेगा हुं? मंच पे चढ़ तो जाऊंगा लेकिन कहीं मेरी बोलती ना बंद हो जाए लोग मुझ पे हंसे ना आदि आधी इत्यादि सो मैनी थैंक्स दे और यही सारे विचार फिर मेरी परफॉर्मेंस कैसी होगी फिर कहते हैं व्यक्ति अंदर से जीता हुआ हो तो फिर बाहर जीतता है और अंदर से यदि हारा हुआ हो अंदर यदि एक ऐसी स्थिति है कि क्या होगा क्या नहीं होगा क्या स्थिति होगी हम समझ सकते हैं यहां तो जीतू यहां तो पहले जीतू वहां क्या होगा वो बाद की बात है पहले मैं यहां जीतूं इसलिए बहन जी शुरू में ही कह रही थी ना कि युद्ध तो यहां जीतने की बात होती है यदि यहां मैंने जीत लिया यहां मेरी पॉजिटिव फ्रेमिंग है तो बाहर मेरी जीत निश्चित है निश्चित है और यदि एक आधी बार पराजय हो भी गई उसे क्या हम इस रूप में नहीं ले सकते कि चलो ये मुझे अनुभव दे गया अगली बार मैं ये अगली बार ये दो तीन बार भी कई बार असफल होने के बाद आई का एग्जाम हो आईपीएस का हो कोई भी बड़े एग्जाम हो आपने देखा होगा नीट्स का है बच्चे करते हैं ना जो हार जाता है वो फिर हारता रहता है वो फिर और तरफ निकल जाता है लेकिन जो सोचता है नहीं एक बार नहीं कोई बात नहीं दूसरी बार कोई बात नहीं तीसरी बार और जोर लगाऊंगा और जोर लगाऊंगा उस चीटी की बात बार बार चल रही है बार बार चल रही है बार बार चल रही है तब तक चढ़ती रहती है तब तक प्रयास करती रहती है जब तक सफल नहीं हो जाती उससे तो मैं ये चीज अपने अंदर ले सकता हूं ना भले गिरूंगा लेकिन चढ़ूंगा चढ़ के रहूंगा पहुंच के रहूंगा थॉमस अल्वा एडिसन यदि हार मान गए होते तो ये लाइट नहीं जल रही होती मैं आपको नहीं दिख रहा होता हम प्रकाश में नहीं होते शायद वही हमारी मोमबत्ती जल रही होती लालटेन जल रहा होता प्रयास चलो हमारा चंद्रमा में हमारा विक्रम लैंड नहीं कर पाया तो क्या हम हार मान लें हमने अपना पूरा प्रयास किया ना बेस्ट किया लास्ट में जाके चलो थोड़ा उन्नीस बीस हो गया कोई बात नहीं प्रधानमंत्री जी ने भी पीठ थपथपाई ना कोई नहीं बेस्ट किया हार मान लें बैठ जाए रोने लगे क्या हम कर पाएंगे फिर चंद्रमा को मंगल को विश्व को अंतरिक्ष को नहीं कलाम जी भी जब मिसाइल बना रहे थे तो पहली बार तो वो भी असफल ही हुए ना बैठे तो नहीं ना इसीलिए मिसाइल मैन बन गए असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो कहा कमी रह गई देखो और सुधार करो गीत की पंक्तियां बहुत सुंदर थी अपने पास रख लें ये सतत आगे बढ़ने में हमें मदद करता रहेगा कई बार आलोचना क्रिटिसिज्म कोई गाली दे रहा है आलोचना कर रहा है पीठ पीछे बहुत सारी बातें कर रहा है मुझे गिराने की कोशिश कर रहा है अभद्र शब्दावली यूज कर रहा है लोगों के बीच कहीं ऐसा ना हो जाए कोई मेरे साथ ऐसा ना करे और ऐसा कर भी देता है तो मैं अपनी स्थिति गवा बैठता हूं मेरी भी मानसिक जो एक होनी चाहिए स्टेबिलिटी वो खत्म हो जाती है तो डर रहता है कि कहीं कोई ऐसा ना कहे पीठ पीछे कोई ऐसा ना कहे कोई मुझे अपमानित ना करे अपमान से भी एक डर क्या उस सिचुएशन को भी हम चेंज नहीं कर सकते हम देखें आज आज ये चीजें भी कई बार हमें बहुत ज्यादा अच्छे कार्य करने से रोक देती है अच्छी चीज को सपोर्ट करने से रोक देती है अच्छे व्यक्ति के साथ खड़े होने से रोक देती है कि वहां खड़ा होगा उसे सपोर्ट करूंगा कहीं अपमानित ना होना पड़े कहीं लोगों की बातें ना सुननी पड़े डर। मंच पर यदि कोई आप भाषण कर रहे हैं कोई आता है और आपको भला बुरा कहने लगता है कि तुम ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो क्या होगा मेरा रिएक्शन क्या होगा याद आता है कि अब्राहम लिंकन जी के जीवन की एक घटना है वो ओथ लेने के लिए जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने जा रहे थे सिनेटर्स बैठे थे एक खड़ा हुआ उसने कहा मिस्टर आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपके पिताजी हमारे परिवार के लिए जूते बनाया करते थे सारे अमेरिका के लोग संभव है टेलीविजन यदि रहा हो देख रहे हो या कम से कम सारे प्रतिष्ठित लोग वो ओथ के लिए जा रहे हैं हैं सिनेटर्स हैं राष्ट्रपति को एक सिनेटर खड़े होके ये कहता है अपमानित करने के लिए कि तुमको नहीं भूलना चाहिए तुम्हारे पिता उनके पिताजी मोची थे जूते बनाया करते थे तुम्हारे पिताजी हमारे परिवार वालों के लिए जूते बनाते थे स्थिति कितनी विपरीत है ना व्यक्ति अपना आपा खो सकता है भय की तो बात चलिए अलग है लेकिन यहाँ तो फिर द्वंद की बात हो सकती है बहुत सुंदर सा जवाब उन्होंने दिया कि मैं जानता हूं कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे मोची थे बहुत अच्छे जूते बनाया करते थे और यदि आपको आपके परिवार वालों को कोई शिकायत है तो आप मुझे बता सकते हैं मुझे भी जूते बनाने आते हैं मैं जूते बना के दूंगा See, यदि व्यक्ति एक बहुत सुंदर पॉजिटिव फ्रेम में है मन जिसका शांत है सशक्त है वो व्यक्ति इन विपरीत परिस्थितियों को भी टर्न कर देता है अपने अनुकूल कर लेता है ऐसे में व्यक्ति आपक हो सकता है कुछ भी बोल सकता है कुछ भी हो सकता है राइट लेकिन ऐसे में भी तो हम भयभीत ना हो कि लोग क्या कहेंगे कैसे कहेंगे यदि कुछ कहता भी है कोई क्या हमारे पास उसका एक सुंदर उत्तर नहीं है क्या हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं अपनी स्थिति के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं अपनी मानसिक शक्ति के ऊपर अपनी बुद्धिमत्ता के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तभी तो उस चीज का डर हमारे अंदर होता है भय इस चीज का भी होता है चलिए भय तब हो जब मेरी कोई कमी हो कमजोरी हो यदि मैं झूठ बोलता हूं यदि मैं चोरी करता हूं यदि मेरे अंदर कोई गलत आदत है तब तो मैं डरू और डरना भी चाहिए वही व्यक्ति डरता है जो कुछ छिपाता है जो डरता है डर तभी है झूठ बोल रहा है ना तो झूठ को छिपाना पड़ेगा ना एक झूठ को छिपाने के लिए वो दस बीस पच्चीस सौ हम सब जानते हैं झूठ बोलना पड़ेगा कुछ चुराया झूठ बोलना पड़ेगा उसे छुपाना पड़ेगा कोई गलत आदत है छिपाना पड़ेगा तो ऐसी चीज क्यों हो मेरे पास जो मेरे अंदर फियर पैदा करे फोन आप कभी भी सड़क पे चलते हुए नहीं देखेंगे पार्क में बैठ करके नहीं देखेंगे आप ऐसी जगह बैठ के देखेंगे जहां कोई नहीं देख रहा है क्यों क्यों हर वो चीज जो छिपा कर की जा रही है आपके अंदर भय पैदा करेगी क्योंकि वो गलत है क्योंकि आपकी आत्मा उसे एक्सेप्ट नहीं करती आपका जो इनर कॉन्सेंट है कॉन्शियसनेस है वो बहुत ज्यादा प्योर है वो इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता दूसरे भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते इसीलिए आप छिपा कर करते हैं क्यों चोरी क्यों झूठ झूठ क्यों मैं जो हूं जैसा हूं सबके सामने रखू ना कई बार मेरी पढ़ाई ठीक है उतनी नहीं हो पाई अब मैं अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए मैं अपनी एजुकेशन को ज्यादा दिखा दू मेरे परिवार वाले उतने ज्यादा समृद्ध नहीं है संपन्न नहीं है अब मैं अपने मित्रों के बीच लोगों को बताने के लिए अपना स्टेटस दिखाने के लिए मैं बता दूं कि ऐसा है ऐसा है घर में मारुति हो और मैं कहूं नहीं बीएमडब्ल्यू है राइट दो कमरे का या तीन कमरे का घर हो मैं कहूँ नहीं पूरा ही बंगलो है तो अब जब कभी भी कोई कहेगा कि चल तेरी बी एमडब्लू मुझे घुमा या मैं तेरा बंगलो देखना चाहता हूं तब तो हमें क्या करना पड़ेगा नहीं नहीं यार आज ऐसा है आज वैसा है आज ये है आज वो है आज छोड़ना कल कर लेंगे यहां परसों कर लेंगे मैं बताऊंगा ना तेरे को मैं लेके चलूंगा ना जब घर में अच्छी अच्छी चीजें होंगी क्यों झूठ क्यों गलत यहां हम डरें और डर होगा भी होगा क्योंकि हम कुछ छुपा रहे हैं तो अपनी गलत आदतें अब हमें खुद ही चेक करना है कि कहां किस वजह से हम झूठ बोलते हैं चेंज करें ना हमें चेक करना है और चेंज करना अन्यथा ये भय भले चर्चा में हम ला रहे हैं लेकिन ये बना रहेगा तब तक जब तक कि ये चीजें हैं जो चीजें मैं छुपा रहा हूं झूठ बोलने का ये भी भाव नहीं है कि हम जैसे ठीक है कलयुग में हम हैं ये भी कहूंगा कि कई एग्जाम्पल आपने सुने होंगे हमारे शास्त्रों में आते हैं कि एक दोराहे पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है एक भा, गाय भागी, भागी भागी आ रही है वो राइट साइड पे चली जाती है कसाई पीछे से भागता भागता या थोड़ी देर में कहता है किस ओर गई है गाय बताओ ने कहा लेफ्ट साइड में गई है तो यहां ये झूठ नहीं है हम ठीक है हम अपने विवेक का प्रयोग करते हुए चीजों को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए दूसरों के हित में जो बात हो समाज के हित में बात हो हमारे भी हित में बात हो स्वार्थ ना हो हित हो वहां हम युक्तियों का भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन ऐसे झूठ जिनकी जरूरत नहीं है जिनके लिए हमें बार बार झूठ का सहारा लेना पड़ता है ऐसी चीजें नहीं इनसे हम अपने आप को मुक्त करें भविष्य की अनिश्चितता में बहुत ज्यादा डराती है क्या होगा कल क्या होगा इसका भय तो नहीं है मेरे अंदर आध्यात्म क्यों हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है क्यों ये जीवन जीने की कला सिखाता है आध्यात्म गेरवी वस्त्र पहन लेना सफेद कपड़े पहन लेना कंठी माला डालकर के जंगल में चले जाना गंगा के किनारे बैठ जाना हिमालय में तप करना यह नहीं है अध्यात्म जीवन जीने का तरीका है गीता में भगवान के महावाक्य है। हे अर्जुन तू भूत का पश्चाताप और भविष्य की चिंता मत कर वर्तमान में रह वर्तमान में रह वर्तमान को तो श्रेष्ठ बनाएगा तो तेरा भविष्य स्वतः उज्ज्वल होगा हम भविष्य की चिंता लेकर के क्यों बैठे वर्तमान में जिए, वर्तमान को श्रेष्ठ बनाए यदि वर्तमान मेरा श्रेष्ठ है भविष्य के लिए भयभीत होने डरने की जरूरत नहीं है अपने बच्चों को मैं योग्य बनाऊं सक्षम बनाऊं सब अपना अपना भाग्य लेकर आए हैं उन्हें कार्य करना दक्ष करना उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाना योग्य बनाना ये हमारे हाथ में है हम ये करें वर्तमान को अपना बेहतरीन बनाए भविष्य के लिए चिंता करने से कोई फायदा नहीं बल्कि वर्तमान भी हम नष्ट कर रहे हैं इसीलिए भविष्य की चिंता नहीं ठीक है हम योजना जरूर बनाए लक्ष्य लेकर के हमें चलना ही होता है कि हाँ भाई कल परसों नरसो एक मास एक साल दस साल के बाद क्या होनी चाहिए हमारी स्थिति हमारी प्रोग्रेस चाहे वो व्यवसाय की हो चाहे हमारे जॉब की हो चाहे हमारी आर्थिक स्थिति की हो परिवार की हो योजना हम जरूर बनाएं लेकिन होगा या नहीं होगा कहीं कोई व्यवधान ना आ जाए कहीं ऐसा ना हो जाए हाँ आदि आदि इत्यादि इनकी कतई आवश्यकता नहीं है है क्या यदि आपको ये अच्छा लगता है तो ठीक है अपने पास रखें लेकिन यदि ये कांटे की तरह चुभ रहा है दें और ये चुपता ही है आज कितना सुंदर है ईश्वर ने मुझे आज दिया है मैं आज में रहू उसका आनंद लू न केवल भविष्य के कई बार भविष्य के साथ मैंने जो चीजें इकट्ठी की है मेरा जो पद है मेरी जो पोजीशन है, मेरी जो संपदा है मेरा जो सब कुछ मेरे आसपास जो मैंने इतनी मेहनत से बटोरी है जमा की है वो चली ना जाए कोई छीन ना ले कहीं नष्ट ना हो जाए भै। या फिर से मैं वही अध्यात्म की बात कहूंगा जो सार है जो जीवन जीने की कला सिखाता है और गीता में ही ये बात है कि तू लाया क्या था और लेके क्या जाएगा कितने सुंदर शब्द हैं ये जो चीजें तू देख रहा है जिन चीजों का उपभोग कर रहा है पहले भी थी और तेरे जाने के बाद भी रहेंगी जब तू तो मेरा मेरा करता है कि नहीं मेरा है मेरा है मैं बटोर लू मैं समेट लो मैं बांध लो इसे और कोई छीने ना कोई इसकी ओर देखे ना देर इज है वहां भय है आकाश खुला हुआ है सारा संसार खुला हुआ है ना जल प्रवाहित हो रहा है सागर इतना विशाल है हम यदि उसे एक सीमा में बांधते हैं बांधा नहीं जा सकता हम भी क्यों अपने आप को सीमा में बांध रहे हैं वो चला ना जाए उसका भय जो है उसका सुख नहीं लेने देता आनंद नहीं लेने देता इस चीज पर बहुत गहराई से विचार कीजिएगा आप अधिकांश लोग हम में से जो है उसका सुख ना लेकर जो नहीं है उस बात से दुखित है जो नहीं हुआ है जो हो ना जाए इसकी आशंका से जो है उसका सुख नहीं ले रहे हैं आनंद नहीं ले रहे हैं मेरे एक मित्र ने बहुत सुंदर सा वीडियो क्लिप भेजा था कुछ समय पहले उसमें बहुत सुंदर सी बात थी और बात ये थी कि एक दोस्त साइकिल का जम, जमाना था बहुत पहले का समय था उस समय साइकिल किसी किसी के पास हुआ करती थी और उस लड़के ने भी साइकिल चलाना सीखा था तो उसे था कि मैं भी साइकिल चलाऊं लेकिन साइकिल थी नहीं उसके एक दोस्त ने कहा कि मैं चार दिन के लिए बाहर जा रहा हूं ये साइकिल तू रख तू इसको एंजॉय कर तू चला अब चार दिन तक खूब घुमा खूब घुमा इस गली उस गली इस सड़क उस सड़क कुछ भी कोना नहीं छोड़ा सब मजे से लेकिन चौथे दिन इस बात की चिंता इस बात का भ अब कल ये साइकिल चली जाएगी अब तक मैंने कितना आनंद लिया मेरे पास कितना अच्छा होता कल आएगा ले जाएगा पांचवे दिन वो दोस्त नहीं आया लेकिन वो उसका आनंद नहीं ले पा रहा है उस साइकिल का घर में ही है पता नहीं हाँ, कब आ जाएगा चलाऊ ना चलाऊं हाँ ले जाऊ ना ले जाऊं कब आ जाएगा छठवें दिन सा... फिर भी आनंद नहीं जो चार दिन आनंद लिया वो पांचवे छठवे सातवे दिन आनंद नहीं ले रहा है चार दिन की जिंदगी आनंद ले ना जी सुख ले। ठीक है ये साइकिल चार दिन मेरे पास है इंजॉय करो ना आनंद लो पांचवे दिन चली जाएगी कोई बात नहीं आया नहीं पांचवे दिन भी हम हैं लेकिन फिर भी इंजॉय नहीं कर पा रहे वही बात गहराई से मैं कहना चाहता हूं है लेकिन भय के कारण उसका सुख नहीं ले पा रहे हैं आनंद नहीं ले पा रहे हैं बांट नहीं पा रहे हैं मैं भी सुख लो दूसरों को भी सुख दू पकड़े नहीं जितना हम पकड़ने की कोशिश करते हैं उतने ज्यादा भयभीत होते हैं जितनी मुठ्ठी खोल देते हैं ना ईश्वर और देते हैं आप जितना सुख दोगे जितना आनंद दोगे जितना दूसरों को निर्भय बनाओगे उतने आप खुद भी निर्भय रहोगे उतने आप सुखी रहोगे आनंदित रहोगे करके देखें ये इटर्नल लॉज हैं इस सृष्टि के हमें नियमों को समझें और जानें कई बार कोई हमारा अपना हमसे ना बिछुड़ जाए शरीर ना छोड़ दे, देह का त्याग ना कर दे अपने हैं प्रियजन हैं मैं मानता हूं और हमारी दिल की अनंत दुआएं और शुभकामनाएं आपके सभी प्रियजन दीर्घायु हो शतायु हो लेकिन इस सत्य को भी हमें स्वीकार करके रखना चाहिए सृष्टि का नियम है आए हैं, जाएंगे कॉस्ट्यूम ही तो चेंज कर रहे हैं ना वस्त्र ही तो चेंज कर रहा हूं ना ये शरीर एक कॉस्ट्यूम है वस्त्र है ये कपड़े आज आज मैंने पहने हैं गंदे हो जाएंगे मैं कल चेंज कर लूंगा परसों फिर से दूसरा पहन लूंगा कॉस्ट्यूम लेकिन बस ये एक इसे अज्ञानता कह दिया गया शास्त्रों में कि हमने इस देह और देह के संबंधियों को भी हम मेरे हैं ये यही मेरे साथ रहने चाहिए ये मान लिया तो वो भय पैदा करता फिर हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते लेकिन सत्य तो सत्य है आत्मा आई है चाहे कि गौतम बुद्ध जी के पास एक महिला पहुंची बोली मेरे पति ने देह छोड़ा है उसे कैसे भी करके मुझे वापस चाहिए आप कुछ भी करो तो जी ने कहा कि जाओ इस नगर में जिस नगर में वो गए थे कहा कि इस नगर में तुम किसी ऐसे घर से मेरे लिए अन्न लेकर के आओ जिस घर में किसी ने भी देह ना छोड़ा हो किसी की मृत्यु ना हुई हो पूरे नगर में गए हर घर घर में गए कोई तो ऐसा घर हो जहां किसी ने शरीर ना छोड़ा हो जब रिटर्न आई आत्मज्ञान हो गया था मन शांत हो गया था इस बात को स्वीकार कर लिया कि नहीं सृष्टि का नियम है जब तक है जब होते हैं आप इस पर भी जरूर विचार कीजिएगा जब तक संबंध संबंधी हैं हमारे संबंध है क्या हम उन्हें समय देते हैं क्या उनके साथ बैठते हैं क्या उनके साथ आनंद लेते हैं हाँ क्या उनके साथ घूमते हैं फिरते हैं बैठते हैं बात करते हैं नहीं अपने में व्यस्त हैं और जब उनके जाने का वक्त आ जाता है या चले जाते हैं तब हमें लगता है कि अरे हमें जितना करना था जितना बैठना था जितना केयर करना था हमने नहीं किया जाने के बाद क्यों वो किसी ने कहा ना कि मेरे जाने के बाद चार लोग कंधा दे रहे हैं काश जब मैं जीवित था एक तो होता मेरे पास मुझे कंधा देने के लिए मुझे साथ देने के लिए मुझे सपोर्ट करने के लिए हम वो एक कंधा बने हम वो एक बने जो अपनों के साथ अपने प्रियजनों के साथ समय दें उन्हें पूछें प्यार से कैसे हो सब ठीक चल रहा है बस इतना ही और कुछ नहीं ऐसा नहीं घंटों घंटों बैठ के गॉसिप करने की कोई जरूरत नहीं है दो मिनट भी आत्मीयता से प्यार से मैं बैठा कंधे पे हाथ रख दिया कैसे हो अपने बूढ़े माता पिता से ये थोड़ी देर बैठो और पूछो तबियत ठीक है आपके पास सब दवाइयां हैं चश्मा ठीक ठीक है हाँ। नंबर तो नहीं बढ़ा है कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है Enough, इतना ही चाहिए उनको और कुछ नहीं चाहिए उनके जाने के बाद हम नाना प्रकार की रीति नीति यहाँ करते रहते हैं वही जीवित रहते हुए कर ले वो दुआएं वो पुण्य वो बल आपको निर्भय बनाएगा उनकी दुआएं उनका आशीष वो निर्भय वो जीवन को सुकून से भरता है क्या हम ये दुआएं ये आशीष लेते हैं वही मृत्यु का भी एक भय उनकी भी अपनी भी जाना ना पड़े जाना तो है लेकिन भय से मरना हा? तो कहते हैं आर्मी वालों को एक बात सभी सिपाहियों को फौजियों को ये बात सिखाते हैं कि देखो चारों तरफ गोलियां चल रही हो लेकिन चारों तरफ गोलियों की बौछार हो रही हो लेकिन तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी तुम डरो मत तुम्हारी मृत्यु तभी होगी जब वो एक गोली तुम्हें लगेगी जिस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है इसे तुम निर्भय होकर के जाओ गोलियों की बौछारों के बीच खड़े होकर युद्ध करो अपने देश के लिए परमवीर चक्र अशोक चक्र ये सारे मेडल किन्हें देते हैं उन्हें जो वीर है, जो निर्भय किसी डरपोक को आपने मेडल मिलता हुआ देखा है जो कूद पड़ता है निर्भयता पूर्वक अपने देश के लिए हम सबकी रक्षा के लिए उसे सम्मानित किया जाता है संसार भी सृष्टि भी उन्हें सम्मानित करती है उन्हें याद करती है जो ऐसे निर्भय है निर्भय और औरों के लिए जी रहे एक बहुत अच्छा सा प्रसंग आता है शास्त्रों में कि एक बार प्लेग की बीमारी फैल गई पूरे नगर में बहुत लोग मरने लगे राजा ने अपने पुरोहितों को बुलाया कहा कि कुछ तो यत्न जत्न करो कैसे ये प्लेग ठीक हो उन्होंने कहा कि शिव की परमात्मा की साधना करनी पड़ेगी महादेव ही कुछ कर सकते हैं साधना की साधना से महादेव प्रसन्न हुए कहा बोलो क्या चाहिए कहा कि प्लेक फैला हुआ है इस प्लेक से हमारी रक्षा कीजिए उन्होंने कहा नंदी है मेरा अब इस नगर में भ्रमण करेगा और प्लेक को इसमें प्रवेश नहीं होने देगा इस नगर में नंदी ने रक्षा करनी शुरू कर दी प्लेग बाहर चला गया अब कुछ समय के बाद फिर से प्लेग वापस आया क्योंकि उसका तो काम ही था लोगों की जान लेना अब नंदी और प्लेग के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ काफी समय तक वो युद्ध चलता रहा अब नंदी को ऐसा लगा कि थोड़ी समय के लिए जब तक कुछ दूसरी युक्ति निकाली जाए समझौता कर लिया जाए प्लेग से कहा कि देखो एक एक शर्त हो सकती है कि तुम ऐसे विशाल स्तर पर लोगों की जान नहीं लोगे यदि तुम सीमित रहते हो तब तो मैं संधि करने को तैयार हूं प्लेग ने कहा ठीक है मेरा भी काम हो जाए और आपका भी काम हो जाए मैं रोज केवल एक व्यक्ति के प्राण हरूंगा ज्यादा नहीं नंदी ने कहा चलो कुछ समय तक होता है ना अस्थायी तौर पे हम कई बार बातों को शांत करने के लिए कुछ सुलह कर लेते हैं नंदी ने कहा ठीक है जब तक कुछ और रास्ता निकले जब तक मैं महादेव देव जी से कुछ और बातें इसे हराने के लिए परास्त करने के लिए पूछो तब तक तो अब प्लेग आया एक व्यक्ति की जान ले लेकिन दूसरी दिन सौ लोगों की मृत्यु हो गई थी अब लोग भागे भागे हा, पहुंचे फिर से महाराज के पास महाराज ऐसा ऐसा हो गया कहा नंदी जी कहा है अब सभी भागे नंदी के पास अब नंदी जी ने को क्रोध आया उन्होंने कहा कि अरे एक की बात हुई थी सौ की मृत्यु कैसे हो गई प्लेग ने सौ को कैसे मार दिया प्लेग के पास बड़े गुस्से से पहुंचे कि हमारी संधि हुई थी तुमने उल्लंघन किया हमारे बीच जो समझौता हुआ था तो प्लेग ने बहुत ही एक अंडरलाइन करने वाली बात कही उसने कहा देखिए नंदी जी मैं अपने वादे पे पूरा खरा खरा रहा मैंने केवल एक की ही के ही प्राण लिए लेकिन जब लोगों ने ये देखा कि अरे प्लेग से इस एक की मृत्यु हो गई है तो बाकी के जो निन्यानवे थे कि प्लेग वापस आ गया बाकी के निन्यानवे इस डर से मर गए कि प्लेग वापस आ गया डर हा? डर से मृत्यु नहीं डर डर के ना मरे एक दिन जाना है सुख से आनंद से शांति से ऐसे जाएं जो मेरा जाना भी लोगों के लिए यादगार हो जाए ऐसी और जब तक जीवन है तब तक उस जीवन का भी हम संपूर्ण रूप से आनंद लेना तो चाहे ये सारे प्रकार के भय हैं, इन भयों में केवल मैं एक बात आप अपनी लिस्ट निकालिएगा कुछ की चर्चा हमने की है आप देखें कि इन सब में क्या मेरे पास कोई चॉइस है या इन सभी स्थितियों में जो बातें कही गई जो रास्ते बताए गए नहीं वो बातें तो ऐसी ही थी ऐसे में तो डरना ही पड़ेगा ऐसे में तो परेशान होंगे ही होंगे चॉइस है कि नहीं कोई भी सिचुएशन आती है कोई भी बात आती है कोई भी घटना होती है मेरे पास चॉइस है या नहीं है कि मैं भयभीत हो जाऊं या निर्भय रहूं मैं दुखी हो जाऊं या मैं सुखी रहूं मेरे पास चॉइस है बैठ कर गहराई से आज विचार कीजिएगा मेरे सामने थाली रखी जाती है थाली से क्या खाना है क्या नहीं खाना है मेरे पास चॉइस है या नहीं है मॉल में मैं जाता हूं हजारों प्रकार के आइटम है मेरे पास चॉइस है या नहीं है कि मैं क्या लूंगा क्या नहीं लूंगा या जबरदस्ती पूरा मॉल का मालिक सब सामान मेरे सिर पे डाल देता है कि मॉल में घुसा है तो सब लेके जाना पड़ेगा ऐसा तो नहीं है इट्स माय चॉइस कि मैं क्या चुनता हूं तो क्या मेरे पास चॉइस है इन स्थितियों परिस्थितियों में मैं क्या करूं और क्या ना करूं Franklin, आपने नाम सुना होगा द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिटलर यहूदियों को कैद कर लेते थे और गैस चेंबर में डाल के मार दिया करते थे विक्टर फ्रैंकलिन के भी सारे जो संबंधी थे संबंधी भी वही थे उनके साथ एक एक करके गैस में डाल के उन्हें मारा जा रहा था लेकिन ये चॉइस मुझे शांत रहना है संतुलित रहना है निर्भय रहना है खुश रहना है यहां से बच के निकलना है और सचमुच ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बच बनी कि वो वहां से जीवित बाहर निकले और उन्होंने संसार को एक लौ दी एक बुक लिखी उसमें उन्होंने ये नियम दिया फ्रीडम ऑफ चॉइस फ्रीडम ऑफ चॉइस इट्स योर चॉइस कि आप डर को चुनते हैं हार को चुनते हैं परेशानी को चुनते हैं निराशा को चुनते हैं मृत्यु को चुनते हैं अंधकार को चुनते हैं या जीवन को प्रकाश को शक्ति को आनंद को सफलता को इट्स योर चॉइस ये भगवान ने भर के नहीं दिया है भगवान हमारे पिता हैं माता हैं उन्होंने हमें संसार में सुख के लिए भेजा है ये सारा संसार उन्होंने हमारे लिए रचा आनंद के लिए अब हम अपने अंदर इस भय को ना भरें होता तो वो भी भयभीत होकर के जीवन का अंत कर लेते लेकिन उन्होंने चुना जीवन को उन्होंने चुना उम्मीद को और इस उम्मीद ने इस साहस ने इस निडरता ने, ने उन्हें सकुशल वहां से बाहर निकाला और संसार को एक सुंदर सा सिद्धांत उन्होंने दिया जब हिटलर की कैद से मौत को सामने देखते हुए अपनों को मरते हुए इन सब स्थितियों में कोई स्थिर रह सकता है निर्भय रह सकता है क्या हम नहीं क्या इससे बड़ी स्थिति परिस्थिति हमारे बीच आती है जबकि मेरे अपने मेरी आंखों के सामने मारे जा रहे हों, उस समय भी मैं स्थिर हूं उस समय भी मैं शांत हूं उस समय भी मैं सकारात्मक हूं उस समय भी मैं प्रकाश की ओर देख रहा हूं एक व्यक्ति कर सकता है क्या मैं नहीं कर सकता मैं भी अपनी चॉइस देखूं मैं किस चीज को चुनता हूं क्योंकि वही मेरे जीवन का निर्माण करेगा वही मेरे भविष्य का निर्माण करेगा वही वर्तमान में मैं जैसा हूं इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति आज जैसा है अपने कारण है किसी और के कारण नहीं भले वो ब्लेम करे दूसरों को नहीं अपने कारण है हम चुने चुने और ये जो गैस करते हैं हम ना कि कहीं ऐसा ना हो ऐसा ना हो ऐसा ना हो ये गेम खेलना बंद करें हम खुद ही अपने आप को परेशान करते हैं गैस करके कि ऐसा 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 और मान लो ऐसा हो भी गया कुछ सामने आ गया सामना करें ना ईश्वर की संतान हो शक्तिशाली हो सामना कर सकता हूं फेस करेगा ना जब आप सामना करेंगे डर का फियर का आप पाएंगे कि वो वैसा नहीं था जैसा आप समझते हैं जब एक बार आप सामना कर लेते हैं दृढ़ता से डर आपसे डर कर भाग जाता है वो कहते हैं डर से जितना डरोगे डर उतना डर आएगा डर से जितना भागोगे डर उतना ही भगाएगा विवेकानंद जी काशी की गलियों में घूम रहे थे उनकी पॉकेट में कुछ पुस्तकें रखी हुई थी बंदरों ने सोचा कि शायद चने रखे हुए हैं और महात्मा जी अकेले ही आज इसका आनंद लेना चाहते हैं हम भी तो साथ हैं हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए लंगूर लंगूर उनके पीछे 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 चल पड़े अब विवेकानंद जी ने देखा कि लंगूर पीछे -पीछे आ रहे हैं, उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी मन में भय पैदा हुआ अपनी गति बढ़ा दी लंगूरों ने भी अपनी गति बढ़ा दी अब उन्होंने देखा कि ये भी तेज गति से आ रहे हैं उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया लंगूरों ने भी दौड़ना शुरू कर दिया अब ये सारा प्रसंग एक गृहस्थ अपने घर की छत से देख रहा था उसने जोर से चिल्ला के कहा कि स्वामी जी डरिए मत सामना कीजिए भागिए मत डरिए मत सामना कीजिए उनकी आत्म इतना जागृत हुई मैं क्या कर रहा हूं क्यों भाग रहा हूं क्यों भयभीत हो रहा हूं खड़े हुए मुड़े एक योद्धा की तरह सामना किया लंगूर नौ दो ग्यारह हो गए भाग गए। जितना भागेंगे वो डर पीछा करता रहेगा एक बार सामना करें डर का सामना भागेगा अंधेरे से डर है जाएं। आप पाएंगे कि अंधेरे से डरने की कोई जरूरत नहीं है कुत्तों से डर लग रहा है गलियों में जाए उस बीच से निकले आप देखेंगे कि वो अपने अपने में मस्त है आपको डरने की कतई आवश्यकता नहीं है छिपकिली है वहां जाए बैठे उसे अपने आप में घूमने दें आप देखेंगे कि वो आप पे आक्रमण करने वाला नहीं है वो आपकी तरफ नहीं देख रहा है कॉकरोच है ठीक है घर में नहीं होने चाहिए लेकिन निकल भी आया एक आधा कहीं दिख गया तो छल कूद करने की कोई जरूरत नहीं है शांति से वो खुद ही अंदर घुस जाएगा आगे की प्रक्रिया आप भले करें लेकिन मन में भय भी तो ना हो कहा गया है आपके विचार इस पर भी बहुत गहराई से विचार कीजिएगा आपका डर डर की परिस्थितियों को पैदा करता है आपके मन के विचार भयभीत करने वाले विचार भयभीत होने वाले विचार भयभीत करने कराने वाली स्थितियों को पैदा करते हैं आप क्रिएट करते हो हमने बचपन से पढ़ा है एज यू थिंक यू बिकम आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बन जाते हैं आप ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं हम क्या सोच रहे हैं अपने लिए यदि डर के विचार हैं निश्चित रूप से भय वाली स्थितियां पैदा होंगी आप सोच सोच के वो क्रिएट करते हैं आपने देखा होगा कई बार आप सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए ऐसा ना हो जाए ऐसा ना हो जाए तो वैसा हो जाता है मैंने सफेद कपड़े पहने हैं साफ कपड़े पहने हैं कहीं गंदा ना हो जाए गंदा ना हो जाए गंदा ना हो जाए गंदा हो जाता है आपने क्रिएट किया हम क्यों क्रिएट करें हम हम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो ब्रह्मा कुमारी साकार संस्थापक है। एक बार एक महिला उनके पास आई उन्होंने कहा कि मेरे गुरु जी ने मुझे श्राप दे दिया है श्रापित कर दिया क्योंकि अब मैं ब्रह्मा कुमारी आ रही हूं तो मेरे गुरु जी ने कहा कि जाओ तुम जा रही हो तुम्हारा सत्यानाश हो ये हो वो हो आदि आदि इत्यादि बहुत डरी हुई थी कि बाबा कहीं ऐसा तो नहीं होगा गुरु जी ने मुझे ऐसा श्राप दे दिया है एक लाइन में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने कहा यदि सोचोगी तो होगा नहीं सोचोगी नहीं होगा बार बार यदि सोचोगी कि गुरु जी ने मुझे ऐसा कह दिया ऐसा कह दिया ऐसा कह कह दिया कहीं ऐसा ना हो जाए होगा आपको विश्वास नहीं होगा वो महिला अभी तक जीवित है अभी तक उनका परिवार हरा भरा है फूल फल रहा है बच्चे विदेशों में हैं, और वो इस ज्ञान मार्ग में आनंदित होकर चल रहे हैं हम सबके लिए एक प्रेरणा एक सीख क्या सोचें क्या ना सोचें इंपॉर्टेंट है वी आर द क्रिएटर हमें क्रिएट करना है कि हम क्या क्रिएट करें विजुअलाइज करें अपने कल को एक होमवर्क आपके लिए अपने कल को मैं कैसा देखना चाहता हूं आप क्रिएट करो सुबह से लेकर रात तक मैं अपने कल को ऐसा ऐसा देखना चाहता हूं कल ऐसा हो रहा है मैं इनके साथ मिल रहा हूं तो इस रूप में मिल रहा हूं मेरे सारे कार्य सफल हो रहे हैं मैं बहुत निर्भय हूं मैं बहुत निश्चिंत हूं मैं बहुत हल्का हूं मैं बहुत, बहुत आनंदित हूं आप क्रिएट करो अपने सारे दिन को देखो कल तो आना है ना अभी के बाद इस सेशन के बाद भी आप एक बजे के बाद भी तो सारी दिनचर्या आपकी चलनी है ना आप क्रिएट करो एक पॉजिटिव अच्छी सुंदर एक क्रिएटिविटी अपने अंदर लाते हुए एक विजन बनाओ कि कल का सारा दिन ऐसा ऐसा है मेरा आने वाला जो कल है मेरा आने वाला जो मास है ऐसा ऐसा बीतेगा आप करके देखो विश्वास कीजिए वैसा होता चलेगा होता चलेगा क्योंकि हम क्रिएट करते हैं परमात्मा ही क्रिएटर नहीं है हम उनकी संतान भी क्रिएटर हैं मास्टर क्रिएटर हैं अपने जीवन को अपने कल को इसीलिए क्रिएट कीजिए और एक सुंदर इंपॉर्टेंट सी बात वक्त पूरा हो रहा है निर्भय हम तब हो जाते हैं पूरी तरह जब हम भले शक्तिहीन हो लेकिन एक शक्तिशाली व्यक्ति मेरे साथ हो यदि मेरे परिचित हैं एक बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति मेरे परिचित हैं जो हर प्रकार से साउंड है मेरे परिचित हैं मैं निर्भय है रहता हूं कि कोई बात नहीं यदि अर्थ मेरा धन ऊपर नीचे हो भी गया व्यवसाय ऊपर नीचे हो भी गया वो व्यक्ति मेरे साथ है कोई तो बहुत ही ऊंचे ओहदे वाला व्यक्ति यदि परिचित है हमें एक रहता है विश्वास वो मेरे साथ है चीजों को संभाल लेगा ईश्वर मेरे पिता हैं सर्वशक्तिवान हैं वो यदि मेरे साथ हैं तो क्या मैं कमजोर हो सकता हूं क्या मैं निर्बल हो सकता हूं क्या मैं भयग्रस्त हो सकता हूं और क्या मेरे पिता परमात्मा को यह अच्छा लगेगा कि मेरा बच्चा भयभीत है परेशान है दुखी है मेरे होते हुए आपका बच्चा आप बहुत ही आर्थिक रूप से पोजीशन वाइज भी बहुत बहुत अच्छी पोजीशन में है बहुत धनाढ़ है बहुत शक्तिशाली है बहुत अच्छी पहुंच है आपका बच्चा डर रहा है भयभीत है आपको अच्छा लगेगा आप कहते हैं ना मैं हूं ना तो बोल क्या करना है भगवान भी हमसे यही कहते मैं हूं तो चिंता क्यों करता है मैं सर्व शक्तिवान हूं तो यदि उनका साथ है ये अनुभूति है जो राजयोग के माध्यम से आप सब कर रहे होंगे इसकी गहराई में उतरे ये फीलिंग जहां आ जाए वहां निर्भयता है भय का कोई नाम निशान नहीं है जिसका साथ ही है भगवान हम कहते हैं उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान जब भगवान साथ है तो भय की भला क्या बात है वो हमारी छत्र छाया है हजारों भुजाओं से साथ है वो हर परिस्थिति को पार करा देंगे ये अनुभूति ही तो आध्यात्म है ये अनुभूति ही तो मेडिटेशन है ये अनुभूति ही तो राजयोग है जो हमें परमात्म छत्र छाया का उस संबल का एहसास कराता है जो ये कहते हैं कि यदि विपरीत परिस्थितियां भी होंगी मैं खड़ा हुआ हूं जैसे अर्जुन ने प्रण कर लिया था कि जब सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध नहीं करूंगा तब तक हा? तब मैं जल्दी चीता पे चढ़ जाऊंगा यदि वध नहीं कर पाया तो अब ये प्रण करने के बाद सारे पांडव परेशान थे हा? प्रभु ने भी सोचा कि अरे पता नहीं ये परेशान ना हो अर्जुन मैं जाके देखता हूं अर्जुन जी तो खराटे लेके सो रहे थे उन्होंने जगाया कि तुमने इतना बड़ा प्रण किया हुआ है इतने निर्भय और निश्चिंत होके कैसे सो रहे हो जागे अर्जुन जी और जाग के उन्होंने बहुत प्यारी सी बात कही मुझे बहुत प्रिय है ये लाइन उन्होंने कहा जिसके लिए स्वयं भगवान जाग रहे हो जिसकी चिंता स्वयं भगवान कर रहे वो हो वो निश्चिंत होकर निर्भय होकर ना सोए तो और भला क्या करे आप सब की भी ऐसी ही चिंता प्रभु करें ऐसी हमारी शुभकामना है और वो करते हैं बस इस चीज की अनुभूति करनी है प्रकाश बाहर बिखरा पड़ा है मैं अपने घर के खिड़की दरवाजे खोलूं उस प्रकाश को आने दो उस शक्ति को महसूस करो उस साथ को महसूस करो तो जीवन निर्भय और निश्चिंत हो जाएगा तो ये फोर एस को जरूर ध्यान रखिएगा इस पर चिंतन कीजिएगा अंततः मैं ये बात के फिर आपके प्रश्नों की ओर आऊंगा फर्स्ट सत्यता फर्स्ट यदि मैं सत्य हूं तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है मैं अपने सत्य स्वरूप में रहूं कि मैं कौन हूं सत्य आनंद स्वरूप आत्मा हूं अपनी सत्यता पर विश्वास कोई गलत कार्य नहीं कोई झूठ कपट नहीं कोई गंदगी नहीं जहां सत्यता है वहां निर्भयता है सत्यता दूसरी बात जो शक्तिशाली है वो निर्भय है जो कमजोर होता है वो डरता है मैं शक्तिशाली हूं शक्तिशाली हूं भगवान की संतान हूं शक्तिशाली हूं सामना करने का दम है मुझ में शक्ति है निर्भय है तीसरा यदि सबके लिए शुभ भावना है आप निर्भय हैं सारा संसार मेरा मित्र है पशु पक्षी जीव जंतु चाहे हिंदू है मुस्लिम है सिख है ईसाई है किसी भी जाति भाषा धर्म के है सब मेरे मित्र हैं सबके लिए मेरे अंदर शुभ भावना है मैं निर्भय हूं जहाँ घृणा है द्वेष है वहां भय है चौथा का परमात्मा का जहां निर्भयता है, वहां है, वहां है। तो इन को अपने जीवन में अमल में लाइएगा और और निर्भय निश्चिंत रहिएगा एजुकेशन विंग ब्रह्म कुमारी लगातार यही प्रयास कर रहा है कि आप सब अपने जीवन को निर्भय बनाए निश्चिंत बनाए उस प्रकाश से प्रकाशित करें जिस प्रकाश की हम हमेशा कामना करते रहे हैं उस सत्य ज्ञान को अपने जीवन में ले आए जो सत्य ज्ञान सुख शांति और आनंद का एक बीज बो देता है जीवन में, अनंत और कामनाओं के साथ और शांति आपके कुछ प्रश्न हो तो जी भाई जी प्रश्न है हम उनको ले लेते हैं जी एक तो पहला प्रश्न है जब मैं अकेले होता हूं तब मुझे डर लगता है और उस के कारण कई बार ऐसा होता है कि रात्रि में नींद भी नहीं आ पाती तो ये क्यों होता है और इसके लिए क्या कर सकते हैं देखिए डर का ये जो कारण है जिसके कारण आप एक अकेलापन फील करते हैं नींद नहीं आती कई बार हमारे कई पिछले जन्मों से चले आ रहे होते हैं जैसे हमने चर्चा में भी ये बात लाई कुछ पास्ट का एक्सपीरियंस भी और साथ ही कुछ पास्ट बर्थ में हमारे साथ कुछ चीजें ऐसी घटित हुई होती हैं या फिर कुछ ऐसे पाप कर्म हुए होते हैं जिसके कारण ये एक चीज हमारे अंदर भर गई होती है राजयोग जो अभी आप सीख रहे हैं इससे इसके उन्मूलन का सबसे सुंदर तरीका है हमारे अंदर के जो भय हैं भरे हुए हैं अंदर गहराई से उन्हें ये निकालता चलता है और हमें निर्भय बनाता चलता है ये एक अनुभूति कराता है कि परमात्मा तुम्हारे साथ हैं उनकी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं उनकी छत्र छाया में उनकी किरणों के नीचे हम बहुत सहजता से सरलता से निर्भयता का भी अनुभव करते हैं और अच्छी सुकून भरी नींद का भी अनुभव करते हैं मैं हमेशा हंसी में कहता हूं जो भी अनिद्रा के रोगी हैं उन्हें हम अपने यहाँ खुला निमंत्रण देते हैं कि आप आए जब इस परिसर में आते हैं ब्रह्मा कुमारी इसके केंद्रों में आते हैं वहां का माहौल उनके मन को इतना शांत शीतल निर्भय और निश्चिंत कर देता है कि उनकी नींद बहुत सहज हो जाती है तो आप जरूर नहीं आते हैं तो जरूर केंद्र पर आए और राज्यों का अभ्यास करें थोड़ी समय में आप इस जो चिंता है भय है उससे मुक्त हो जाएंगे अः भाई जी अगला प्रश्न है अगर किसी व्यक्ति से हमें डर लगता है तो उस डर को हम कैसे बाहर निकालें उसके व्यवहार से डर है यदि किसी व्यक्ति से डर है आपको तो या तो उससे खुलकर बात की जा सकती है हमने डर का सामना करने की बात कही यदि आप उससे दूर दूर भागते रहेंगे तो वो डर बना ही रहेगा कि कहीं ये ऐसा ना कह दे ये ऐसे हैं हो सकता है सामने वाले व्यक्ति कई प्रकार के और इंप्रेशन कई प्रकार की और, और अनुभूति बातों से होके आते हैं और कभी आपके ऊपर उन्होंने गुस्सा एक दो बार निकाल दिया हो आपको डर लगने लगता है लेकिन यदि आप उनसे मिलेंगे उनसे बात करेंगे हर एक व्यक्ति प्यार चाहता है, सम्मान चाहता है, है, सम्मान और कोई भी ऐसा नहीं है जो भूखा शेर बन के बैठा हुआ है जो आपके ऊपर चढ़ाई कर दे तो यदि आप उनसे मिलें प्यार से बातें करें अपने व्यवहार को उनके साथ बहुत अच्छा रखें और ये देखने की कोशिश करें कि उनकी मेरी कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण वो नाराज हो जाते हैं उस चीज को हम ठीक कर लें और यदि सामने वाली की ऐसी आदत ही है कि वो आपको आपके ऊपर चढ़ाई ही कर देते हैं या नाराज हो जाते हैं तो ठीक है आप उनके मूड को देख करके उनके नजदीक जाया करें और जब कभी भी ऐसी स्थिति होती है कि वो सामान्य स्थिति में आप जाए उनसे अच्छी तरह से प्यार से बातें करें तो आपके अंदर का भय भी निकल जाएगा और वो भी सामान्य हो जाएंगे और तीसरी चीज आप ये कर सकते हैं जो हम लोग अध्यात्म और मेडिटेशन में सिखाते हैं कि जब आप योग करते हैं उन्हीं आत्मा देखते हुए बहुत गुड वाइब्रेश दें कि बहुत अच्छी आत्मा है मेरे बहुत अच्छे साथी हैं मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं ये मेरे बहुत स्नेही हैं सहयोगी हैं मेरे भी दिल में इनके लिए बहुत स्नेह और सम्मान है और एक दृश्य बना है कि जब भी मैं इनसे मिल रहा हूँ बहुत प्यार भरा एक वातावरण है प्यार भरी हमारी बातचीत हो रही है कुछ दिन आप इसका एक्सपेरिमेंट करके देखें आप देखेंगे कि भय भी निकल जाएगा और आपके जो व्यवहार दोनों के बीच के बहुत मधुर हो जाएंगे जी भाई जी अगला प्रश्न है जैसे कि पिछले दिनों हमने देखा कि हम में से बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया तो अगर उसमें स्वास्थ्य का डर है इनका प्रश्न है कि उन्हें खुद के स्वास्थ्य का डर है कि वो स्वस्थ सदा रह सकते हैं कि नहीं रह सकते और परिवार भी उनका स्वस्थ रहे इसका भी उनको सदा यही डर लगा रहता है तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं एक बात जैसे मैंने कही कि डर से या इस प्रकार के संकल्पों से जैसे हम उन्हें इनवाइट करते हैं इसलिए मैं सभी को एक बात बहुत प्यार से कहना चाहूंगा कि आ, जाना हम सबको है ये तय है लेकिन उस डर को अपने अंदर पहले से ना बिठा लें देखिए एक नियत समय होता है सबके जाने का मेरा भी परिवार का भी लेकिन जब तक हम है बहुत खुशहाली के साथ रहें इस संकल्प को इस डर के संकल्प को बार बार क्रिएट ना करें कि कहीं ऐसा ना हो जाए ऐसा ना हो जाए कहीं ये ना चला जाए वो ना चला जाए स्वास्थ्य है हम स्वास्थ्य का ध्यान रखें सरकार प्रशासन भी हमें जिन जिन चीजों को ध्यान में रखने को कह रही है मास्क लगाए सैनिटाइजर यूज करें डिस्टेंस रखें अनावश्यक रूप से ट्रैवलिंग ना करें ये सारी चीजें तो हम कर ही सकते हैं उसके अलावा बहुत सारी चीजें अभी मार्केट में आ गई हैं गवर्नमेंट भी हमें बता रही है कि भाई कौन कौन सी चीजें हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगी हम उन चीजों का इस्तेमाल करें स्वस्थ रहें खुश रहें एक चीज जरूर समझें ये एक स्पिरिचुअल लॉ है जितना हम खुश रहते हैं हल्के रहते हैं निर्भय रहते हैं निश्चिंत रहते हैं हमारी आयु बढ़ जाती है हम स्वस्थ रहते हैं और जितना ज्यादा हम परेशान होते हैं या इस चिंता में रहते हैं कि कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं कहीं ये बीमार ना हो जाए तो वो बीमारी को का आह्वान हो जाता है और सचमुच ऐसा हो जाता है इसीलिए ये तो अपने हाथ में रखें कि कम से कम हम अपने आप को अपने संकल्पों को परिवार वालों के भी संकल्पों को बहुत शुद्ध सात्विक रखें और इसीलिए ही तो ये सुंदर ज्ञान और सुंदर राज्यों का अभ्यास है ना मानता हूं कि कईयों के मन में जब नजदीक से देखा है डर घर कर जाता है लेकिन हम इस डर को निकालें क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं है इसका कोई औचित्य नहीं है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है हम इसे रिप्लेस करें अच्छे विचारों से शुद्ध शुभ विचारों से और कहा ना ईश्वर हमारे माता पिता हमारे साथ हैं हमारा कोई कोरोना क्या कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता इस निश्चय इस विश्वास को बढ़ाइए और अपने संकल्पों को शुद्ध सकारात्मक कर लें सारी चीजें सामान्य हो जाएंगी हम सबके भी दिल की दुआएं शुभकामनाएं आपके आपके पूरे परिवार के लिए है कि आप दीर्घायु शतायो हों आपकी आयु बहुत 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 अच्छी हो और आप संपूर्ण स्वस्थ भी रहे जी, जी अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं आगे बढ़ने की बहुत इच्छा है लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो अब नई शुरुआत करने से डर लगता है तो उसके लिए क्या करें शुरुआत में जो गीत बजा था वो गीत जरूर इन्हें आप भेज दीजिएगा <laughs> देखिए ये तो है कि जैसे ही जो कुछ नहीं करता ना विवेकानंद जी भी कहा करते थे कि यदि जीवन में परिस्थितियां आ रही हैं विघ्न आ रहे हैं इसका मतलब है आप आगे बढ़ रहे हो जिसके जीवन में विघ्न परिस्थितियां बातें नहीं है मतलब वो पड़ा हुआ है वो कुछ कर ही नहीं रहा है वो न्यूट्रल स्थिति में है अब हम देख लें कि हमें बस पड़े रहना है या कुछ कर गुजरना है जीवन है जीवन में कुछ बनना है कुछ करना है समाज ने संसार ने मुझे इतना कुछ दिया है मुझे भी समाज के लिए कुछ करके जाना है आप करो बेहतरीन करो करेंगे तो फिर निश्चित रूप से अब देखिए आप एक नए रास्ते का निर्माण कर रहे हो निश्चित रूप से जब आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो बातें परिस्थितियां आएंगी रोकने के लिए आएंगी लेकिन यदि आप दृढ़ हैं यदि आप पूरी तरह से क्लियर हैं कि मुझे करना ही है तो ईश्वर की मदद मिलेगी हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा स्लोगन हम लोग सभी को सुनाते हैं कि हिम्मत बच्चे मदद बाप हिम्मत मर्दा मदद खुदा यदि आप हिम्मत रखते हैं हिम्मत से दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं निश्चित रूप से ईश्वर की मदद मिलेगी और स्थिति सामान्य होती चलेगी बातें डराने के लिए तो आएंगे आपको ताकि आप कुछ ना करें लेकिन आप आगे से आगे बढ़ें उन परिस्थितियों से घबराए नहीं इसलिए क्योंकि आपको कुछ करना है कुछ बनना है ऊंचे शिखर पर पहुंचना है और वहां तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं मुझे पहुंचना है ऐसा एक संकल्प रखें आपकी दृढ़ता आपको सफलता दिलाएगी जी भाई जी अब हम सभी को भाई जी राजू का अभ्यास भी कराएंगे चलें तो हम सभी अंतिम बात जो मैंने कही थी आप सभी को राजयोग का एक सुंदर आधार है आत्मज्ञान और परमात्मा से सुंदर संबंध अज्ञानता ही वास्तव में सभी प्रकार के भय चिंता और परेशानियों का मूल है हम इस सत्य में स्थित हो जाएं कि संसार में जो भी चीजें हैं परिवर्तनशील है आज है कल नहीं है आज मेरे पास है कल किसी और के पास होंगे मैं सुंदर आत्मचिंतन की ओर ईश्वर का शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने जो भी मुझे दिया है बहुत है उनके लिए दिल से धन्यवाद है उनका दो बातों पर बहुत गहराई से अब हम फोकस करें बाहरी संसार से अंतर जगत की ओर चलते हुए बाहर तो मैं भागता ही रहा वस्तु वैभव इन सब में सुख आनंद और निश्चिंतता का अनुभव करना चाहता रहा लेकिन सत्य ये है कि सच्चा सुक् सच्चा आनंद सच्ची तृप्ति मेरे अंदर है चले अपने अंदर इस मांस के देह के अंदर इस शरीर रूपी वस्त्र के अंदर मैं एक चैतन्य शक्ति हूं प्रकाश स्वरूप आत्मा मैं अजर हूँ अमर अविनाशी मैं सत्य चित आनंद स्वरूप स्थित हो जाए अपने स्वरूप में अपने आत्मस्वरूप में मैं बिल्कुल निर्भय है निश्चन और आनंदित हो तो तब है जब मैं खुद को देह मानता देह के संबंधियों और पदार्थों को अपना मानता हूं ये सब जैसे मुझे इस जीवन के साथ कुछ समय के लिए पाठ के रूप में मिले हैं जब तक मैं इनके साथ हूं मैं इन्हें भी सुख और आनंद दू वस्तुओं का भी सही सही सदुपयोग करो इस सत्य स्थिति को स्वीकारते हुए कि आज है कल इस देह रूपी चोले को छोड़ते ही ये सब भी छूट जाएंगे लेकिन फिर से सब कुछ नया मेरे पास होगा ये सृष्टि ये पदार्थ ये सुख सुविधा के साधन ये संबंधी सदा रहे हैं और फिर रहेंगे बस रूप परिवर्तित होगा इसलिए मैं निर्भय हो जाऊं निश्चिंत हो जाऊं देखें जैसे परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है उनकी शक्तियों की किरणें मुझ पर बरस रही हैं, मुझे शक्तिशाली और निर्भय बना रही हैं उनकी आवाज को सुने जैसे वो कह रहे हैं कि मेरे बच्चे तुम अकेले नहीं हो मैं सदा तुम्हारे साथ हूं तुम निर्भय रहो निश्चिंत रहो और जीवन का आनंद लो अब एक नजर अपने भविष्य पर डाल लें, कल पर पूरे मास पर पूरे वर्ष पर कि मेरा आने वाला कल बहुत सुंदर है सुखद है आनंद से परिपूर्ण है सुख शांति और सफलता से भरपूर है मेरे सारे मित्र संबंध ही स्वस्थ हैं सकुशल हैं सबके साथ मेरे संबंध बड़े मधुर और मित्रवत है मैं मानसिक बौद्धिक शारीरिक पारिवारिक व्यावसायिक सामाजिक हर रूप में सफल हूं सभी का प्यारा हूं और सबको प्यार सम्मान और सुख देते हुए अपने इस जीवन की यात्रा का आनंद ले रहा हूं Oh, shine. कुछ मुझको जीवन सासे और मुस्कान एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते खौफ भरे माहौल में तुमने मुझको खूब संभाला है आश भरी विश्वास भरा हर डर से मुझे निकाला है खौफ भरे माहौल में तुमने मुझको खूब संभाला है आश भरी विश्वास भरा हर डर से मुझे निकाला है तेरी रहमत से ही हुआ है मेरा हर लम्हा आसान तेरी रहमत से ही हुआ है मेरा हर लम्हा आसान एक ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान पर हर पल रखते सिखाने का ये वक्त का, ये वक्त का अंदाज है ये वक्त का अंदाज है ये वक्त का अंदाज है मेरे दिल की यही कुछ बेहतर हमें सिखाने का ये वक्त का, ये वक्त का अंदाज है ये वक्त का अंदाज है ये वक्त का अंदाज है हम अमल करेंगे आपका और वक्त का ये फरमान अमल करें